नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 वर्सेस Samsung Galaxy A12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8 में 6.32 इंच जबकि Galaxy A12 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 8 में 2.91 इंच जबकि Galaxy A12 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8 में 0.31 इंच जबकि Galaxy A12 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 8 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8 में 177 ग्राम जबकि Galaxy A12 में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 8 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 8 में सुपर AMOLED जबकि Galaxy A12 में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8 में 6.4 इंचेस जबकि Galaxy A12 में 6.5 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 8 में 1080x2400 और Galaxy A12 में 720x1600 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8 में 83.32% जबकि Galaxy A12 में 82.06% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A12 में 270 पिक्सल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A12 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A12 की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 11 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy A12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 11 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8 में Mali G76 MC4 जबकि Galaxy A12 में Power GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8 में MediaTek Helio G95 और Galaxy A12 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB देखने को मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8 में अप टू 256GB जबकि Galaxy A12 में है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 8 में Android V11 जबकि Galaxy A12 में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। कलर्स की बात करें तो Realme 8 में 2 कलर्स जबकि Galaxy A12 में 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8 की 13,999 रुपीस जबकि Galaxy A12 की 12,670 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 8 में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A12 की तो उसमें 2 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A12 आगे है, मेन कैमरा में Realme 8 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 8 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 7 है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 30 Pro है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।